तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। यशोधरा थाना अंतर्गत कार्यकर्ता पर हमले का मामला सामने आया है। अल्तफ नामक युवक कार्यकर्ता पर अज्ञात 15 व्यक्तियों ने हमला किया है। बंदानवास इलाके में यह हमला होने की जानकारी सामने आई है। आइए देखते हैं पूरा मामला क्या है। हाँ बताइए कि वजह क्या है, आप लोग जो यहाँ पर यशोधरा थाने में एक साथ में जमा हुए हैं, क्या कारण है यहाँ पर? सर यहाँ पर एक्चुअली हम लोग जो है चार दिन पहले हमारे क्या एक पदाधिकारी के साथ जो युद्ध का है, बहुत 2000 काले कार्यकर्ता है हमारा पदाधिकारी है अल्तमस कुरेशी करके, इसके ऊपर 15 लोगों ने मिलकर के लिए हमला किया था। तो हमला किस एरिया में हुआ? बंदा नवाज नगर, ये एकदम पुलिस स्टेशन के एकदम पीछे है, जो एकदम पीछे है। और उसके बाद जो है आज चार दिन का क्या समय हो गया, पुलिस उसको क्या ढूंढने में असफल रही, लेकिन अभी हम लोग जब यादव साहब के क्या मिलके आए, उन्होंने हमको एकदम संतुष्ट किया कि आपका काम क्या जारी है, वो हमारे क्या हफ्ते चढ़ नहीं रहा है, आप अगर से कॉपरेट के लिए कर पाते हैं जहां लिखेंगे अगर से वो हमको आप के लिए कॉल कीजिए, हम उसको क्या अरेस्ट करने के लिए वहीं पर क्या स्पॉट पे आएंगे। इसलिए हम लोग क्या आज दोबारा से यादव साहब के बाद चार दिन के बाद फिर से क्या आए थे ताकि वो कार्रवाई को क्या कंटिन्यू के लिए की जाए, क्योंकि नागपुर शहर का जो क्या क्राइम रेशियो है हम पुलिस के साथ है उसको कम करने में, अब पुलिस हमारे साथ है, उसके लिए क्या जाधव साहब ने हमको एकदम क्या संतुष्ट किया कि आने वाले वक्त में यशोधरा नगर के थाने में जितनी भी कंप्लेंट होंगी, जितनी भी क्या कार्रवाई होना है वो हमारे हाथों से बहुत अच्छी तरीके से होंगी। उन्होंने क्या हमको क्या ऐसा उत्तर दे के हमको क्या संतुष्ट किया। जैसे कि अभी आप जानते हैं कि हाल ही के अंदर यशोधरा थाने के अंदर जो मर्डर के केस हुए, रेप के केस हुए, चोरी के केस हुए, तो यहाँ पर बहुत जल्द से जल्द जाधव साहब आने के बाद में कार्रवाई हो रही है। और आपने जैसा बताया कि आप संतुष्ट है, तो आपसे जाधव साहब ने क्या कहा कि आरोपियों को कितने दिन में अरेस्ट करेंगे, क्या ऐसा कुछ बात हुई? जाधव साहब का तो ऐसा एकदम सडनली एक्शन का उनका वो स्टैंड मुझे तो नजर आया खुद, यानी बात करते हुए और उनके जो कहले पिछले एक बार जो मैंने पढ़ा था उनके बारे में, वो हकीकत समझ लो यशोधरा थाने में मुझे कहले दिखाई दी जाधव साहब की। तो अभी आप क्या मांग करने आए थे यहाँ पर कि आरोपी अरेस्ट होना चाहिए? आरोपी अरेस्ट होना चाहिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई भी कारकुन के ऊपर नागपुर शहर में अगर से कोई हमला होता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरा नागपुर शहर उसके साथ है और हमेशा रहेगा, वो चाहे हमारा कार्यकर्ता रहे या फिर यूथ का क्या पदाधिकारी रहे या हमारे शहर बॉडी का रहे या एक मेंबर भी रहेगा उसके साथ हम खड़े हैं।